बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल, कैसे हैं आप लोग। हमारा सेल्फ स्टडी प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 14 है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर होगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको तमाम कंटेंट्स जो आपकी रिपोर्ट में होना ज़रूरी है, और जिस तरह से आपने एक ऑर्गेनाइजेशन इशू को लेकर चलना है, उसको आपने टैकल करना है, किस तरह से आपने उसको डाटा कलेक्ट करना है, फिर आपने किस तरह से उसके ऊपर एक एनालिसिस करना है, ठीक है, तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट टू कि हम आज आपके साथ जो है वो शेयर करें। हम अगर अपने लास्ट लेक्चर को रिकैप करें तो हमने बात की थी अपने पास विजन एंड परफॉर्मेंस रेंजेस के बारे में। फिर हमने कहा था राइट एन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने गोल्स को किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स में, ऑब्जेक्टिव्स को एक्टिविटीज में। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास होना जो है वो बहुत जरूरी है। इवेलुएट प्रोग्रेस एंड टेक करेक्टिव एक्शन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इशू। देन वी डिस्कस अबाउट द सेल्फ स्टडी प्रोजेक्ट। फिर हमने बात की थी आपके पास के हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे व्हाट इज मेंट बाय द प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन हमारे लास्ट में हमने कहा था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन आपने कैसे करनी है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। फिर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसी, और एक अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आपके पास होती हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हम इंशाल्लाह आपके साथ बात करेंगे। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द लिटरेचर रिव्यू कि आपने लिटरेचर, हम आपसे ये नहीं चाह रहे कि आप बिल्कुल ही वो पीएचडी का थीसिस या एमएस का थीसिस लिखें, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर एंड कि आप जो भी एक प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं उसको आप लिटरेचर सपोर्ट कम अज कम जरूर दें। लिटरेचर को आपको एक्सप्लोर करने का बेनिफिट जो होगा वो क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि पहले क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हुए थे इस इशू या इस सिनेरियो के साथ, पहले ये वाले प्रॉब्लम अराइज हुए थे, इन रिसर्चर्स ने इस जो है वो प्रॉब्लम को जो है वो हाईलाइट किया है। जो आपका प्रॉब्लम है क्या वो वही प्रॉब्लम है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में था। सो यू हैव टू सपोर्ट योर रिजल्ट्स फ्रॉम द लिटरेचर। जो भी आपके फाइंडिंग्स हैं, जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी आपके थ्रू लिटरेचर या थ्रू इंटरव्यू आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया दैट इज ओके, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये भी पता हो कि आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट जनरेट करें कि द सेम इशू द सेम प्रॉब्लम उस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ था और उस ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स ये आए थे और मेरे रिजल्ट्स ये हैं, सो दैट वी कैन कंपेयर द बोथ समथिंग कि यार ये है क्या दोनों के अंदर, यहाँ पर क्या इश्यूज थे, वहाँ पर क्या इश्यूज थे। मे बी योर फाइंडिंग्स इट विल बी सम बिकॉज आप प्रैक्टिकल रिसर्च कर रहे हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसर्च कर रहे हो, आपने खुद रिसर्च करनी है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल रिसर्च है, जो हम अभी एकेडेमिक्स में बैठे हैं तो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, हमारे पास चीज़ें बाद में आएंगी, लेकिन बींग अ सेल्फ स्टडी प्रोजेक्ट आप जब इस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे तो दैट एक्चुअली एंड जो आपके पास एक CEO है, जो एक एम्प्लॉय है बैंक का, जो इंटरनल बंदा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल बंदा है, वो हमें इनसाइट दे रहा होगा जी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो दैट मे बी एन आइडिया फॉर द फ्यूचर रिसर्चर उसको लेके आगे काम करे। तो लिटरेचर रिव्यू हम इसी थोड़ा सा इस बारे में आपको थोड़ी सी मैं टच जरूर दूंगा कि आप अपनी रिपोर्ट में हमें इस चीज़ को भी जो है वो हाईलाइट करके दें, अपने फाइंडिंग्स को आप लिटरेचर से सपोर्ट करें। देन वी शुड डिस्कस अबाउट रिसर्च डिजाइन, बाय विच मेथड्स आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब काम करेंगे तो आपने कौन कौन से मेथड्स ऐसे हैं जिनके थ्रू आप डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वो डाटा कलेक्ट आपने करना है, और डाटा से आप जो बायसनेस है उसे आप किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। देन वी शुड डिस्कस, मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहे हैं तो आपने केस स्टडी करनी है तो वो केस स्टडी मेथड आपके पास क्या है। अगर आप जो है वो एक्शन रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगेन आपके पास एक्शन रिसर्च भी एक टाइप ऑफ रिसर्च है, उसको आप कैसे लेकर चलेंगे। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द मैथडोलॉजी ऑफ द एक्शन रिसर्च और दी समथिंग, देन हाउ यू विल डिस्कस द मैथड, हाउ समथिंग यू विल रिपोर्ट द फाइंडिंग्स, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिपोर्ट। रिपोर्ट में मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ, रिपोर्ट के आउटकम में आपने क्या चीज़ मुझे देनी है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। ओके जी, इंशाल्लाह वी शुड स्टार्ट विद अवर लेक्चर्स। हम आज के लेक्चर में बात करते हैं, हमने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, व्हाट वी सेट के प्रॉब्लम आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम आपके पास है। जब आपके पास एक डिजायर्ड आउटकम और जो एक्चुअल आउटकम अगर उनका आप कंपेयर करें तो आपके पास जो है प्रॉब्लम आपको नजर आएगी, ठीक है। इसी तरह आप सेल्स की बात ले लें, सेल्स आपके पास इतनी होनी चाहिए थी, इतनी सेल्स नहीं हुई, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स एक्चुअली जिसने उन सेल की जो था उसको ग्रोथ को उसने जो है उन्होंने इफेक्ट किया। तो ये सारी चीजें आपके पास पता होना जो है वो जरूरी है। सम गाइडलाइंस फॉर सिलेक्टिंग प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन, जिससे मैंने आपसे बात की कि हमारे पास आगे भी स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है वो आपने सिलेक्ट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम शुड बी सच इन विच द रिसर्चर मे डीपली इंटरेस्टेड। प्रॉब्लम ऐसा हो जो कि इंटरेस्ट का हो, आपके इंटरेस्ट का भी हो और उसको ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट भी हो। फॉर एग्जांपल आप ये देखते हैं कि आपके पास जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो टर्नओवर रेशियो है कि जो एम्प्लॉय जो जॉब छोड़कर जा रहे हैं वो एकदम इंक्रीज कर गए। अब
बीइंग एन एचआर मैनेजर, अगर आप एचआर मैनेजर हैं तो वो ऑफ कोर्स आपका प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट है, बट साइड बाय साइड इट इज आल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों प्रॉब्लम इंटरेस्ट है भाई? ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय को जब तैयार करता है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, ट्रेनिंग करता है, जब एक एम्प्लॉय इतना हो जाता है कि अब नाउ ही इज प्रोडक्टिव, कि वो अब प्रोडक्टिव हो गया, ठीक है, तो वो अब आपके पास जब प्रोडक्टिव हो गया है तो उसके बाद उसका छोड़ जाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा लॉस है। एक नया बंदा आएगा, वो टाइम लेगा एडजस्ट होने में, ट्रेन होने में, चीज़ों को समझने में, जब तक वो प्रोडक्टिविटी स्टार्ट करेगा तब तक आपके पास बहुत सी चीज़ों में डिले आ चुका होगा। तो ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन अपने एंड पर जो है वो नुकसान बियर कर रही होती है, और आजकल के जो टाइम है इसमें सबसे बड़ा इशू ऑर्गेनाइजेशन का यही है कि हाउ टू रिटेन द क्वालिफाइड पीपल, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो एकदम चीज़ों को जो है स्किप करके आपके पास जो है वो आगे निकल जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इशू नाउअडेज इन ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे पास है। द प्रॉब्लम शुड बी रिलेटेड विद द चेन ऑफ थिंकिंग, स्ट्रे प्रॉब्लम कैन मिसलीड द होल रिसर्च प्रोजेक्ट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉशन एक्चुअली, कि प्रॉब्लम शुड बी रिलेटेड टू द चेन ऑफ थिंकिंग। आपके पास जो प्रॉब्लम है वो एक नहीं होगी एक्टिविटी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो लिंक्ड होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमने डेड लॉक का आपसे जिक्र किया था कि आपके पास एक एक्टिविटी है वो दूसरे एक्टिविटी पर डिपेंडेंट है, तीसरी चौथी पांचवीं, तो आपके पास एक्टिविटीज दूसरे एक्टिविटी पर डिपेंडेंट होती है। एक प्रॉब्लम है तो मे बी उस एक प्रॉब्लम को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब आप उसे स्पेसिफिक करने लगेंगे तो यू विल गेट एन इनसाइट कि ओह इसकी वजह से तो ये बाकी प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये वाले इश्यूज जो हैं वो भी आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी बिट डिफरेंट होंगी यहाँ पर। तो अगर आप प्रॉब्लम से ही आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो मे बी आपके पास डी ट्रैक होने के चांसेस जो हैं वो भी आपके पास ज़्यादा होंगे। द प्रॉब्लम सेलेक्टेड शुड नॉट नेसेसरली बी न्यू वन, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इट मे बी द ओल्ड प्रॉब्लम और वन ऑन विच वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन, दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द ओल्ड प्रॉब्लम मे बी इक्वली यूजफुल। अब आप अगर ये तलाश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि तो नया प्रॉब्लम लेकर आओ, नया प्रॉब्लम ठीक है मिल जाएंगे, काफी सारे आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक नया बैंक स्टार्ट करें, कोई आप नया बिजनेस जो है स्टार्ट करें, तो आपके पास इनिशियली प्रॉब्लम आएंगे बहुत सारे। वो प्रॉब्लम उस बिजनेसमैन को भी आएंगे जिस वक्त उसने वो जो है बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया था, तब भी उसको जो थे वो प्रॉब्लम आपके पास जो थे वो आपके पास उसको आए थे। तो देर आर थिंग्स की चीजें आपके पास हैं जो कि वाकई इस चीज को है प्रॉब्लम उसको है आपके पास, लेकिन अगर आपके पास जो पुराने प्रॉब्लम आए थे या जो पुरानी रिसर्च हो चुकी है उसी को अगर आप यहाँ पे टेस्ट करते हैं तो थिंग्स आर प्रीटी डिफरेंट। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से कोट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टूडेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टूडेंट्स के अंदर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ जो स्टूडेंट की है वो आपके पास तीन चार चीज़ों से मिलकर बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो है पीयर कोलीग्स के साथ उसका कैसा है, उसका टीचर के साथ इंट्रैक्शन कैसा है, सोशली वो कितना अट्रैक्ट कर रहा है, फैमिली उसको कितना सपोर्ट कर रही है, तीन से चार चीज़ें मिलकर उसकी क्वालिटी जो लाइफ है उसको जो है क्वालिटी ऑफ जो उसकी जो है लाइफ कॉलेज स्टूडेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ उस चीज़ को जो है वो मैनेज करेगी, इसकी आउटकम आपके पास आएगी। बट ये स्टडी फॉर एग्जांपल आपके पास अमेरिका में हुई, ये स्टडी फॉर एग्जांपल आपके पास तुर्की के अंदर हुई, क्या ये पाकिस्तान के अंदर स्टडी हुई? क्या आप ये नहीं समझते कि आप अपने स्टूडेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ जज करें, उसके ऊपर आप फिर देखेंगे कौन सा कि हमारे स्टूडेंट्स कितने अपनी लाइफ से, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से जो है वो सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाइड आपके पास हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास एक न्यू फाइंडिंग है कि पाकिस्तान के अंदर इस जगह के ऊपर स्टूडेंट्स अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सेटिस्फाइड हैं, और इस सेटिस्फेक्शन से इनकी जो है ये वाली जो प्रोग्रेस है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनकी ग्रिल्डिंग है वो जो है वो इन्हांस हुई है। इट विल बी अ वेरी यूजफुल स्टडी फॉर द होल पाकिस्तान। सो ऑल द टीचर्स, ऑल द स्कूल्स, ऑल द यूनिवर्सिटीज, दे शुड फोकस, दे विल बी स्टार्टिंग फोकसिंग ऑन दोज फैक्टर्स। ओके, वी हैव टू इम्प्रूव नॉट ओनली दिस फैक्टर बट वी ऑल्सो हैव टू इम्प्रूव दिस दिस एंड दिस फैक्टर। अगर हम बच्चों की ये वाले फैक्टर्स भी इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं उसके ऊपर वो अगर काम करेंगे तो आपके पास चीजें इन्हांस होंगी। स्टडी वहां पर हुई, जब हम उसको यहां पर टेस्ट किए तो हमारे पास मे बी और ज्यादा मेजर फ्रूटफुल रिजल्ट आए जो कि वहां पर नहीं थे। इकोनॉमिक कंडीशंस बाहर डिफरेंट है, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट है, आपकी मेंटेलिटी डिफरेंट है, विजन डिफरेंट है, हर चीज अगर डिफरेंट है। अगर यही चीज हम किसी सरगोधा के गांव के अंदर देखें तो मे बी आपके पास किसी इस्लामाबाद और सरगोधा के गांव के किसी पुराने का आपको बंदा ले लें, कोई बच्चा वहां पर आप ले लें, ठीक है, तो आपके पास प्रिटी डिफरेंट, आपके पास जो डिफरेंस है वो आपको नजर आएगा। तो थिंग्स आर
बहुत ज्यादा आपके पास जो है डिफरेंट होती हैं, तो आपके पास ये बिल्कुल चीज गलत होगी कि अगर पहले रिसर्च हो चुकी है हम उसको दोबारा ना करें. ऑफ कोर्स इट इज री इन्वेंटिंग द व्हील, बट अगर आपकी सोसाइटी के अंदर वो पहले नहीं हुआ एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर और इट मे इनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसमें मैंने कहा स्टूडेंट्स की, तो आई थिंक इट शुड मस्ट बी इनिशिएटेड, उन्हें इनिशिएट कर लेना चाहिए हमें. ठीक है, इसी तरह आपने भी देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन को इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपने रिसर्च पढ़ी है या कुछ है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी वही प्रॉब्लम आ रहा है, तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. वो आपके लिए एक वर्थ प्रॉब्लम है बिकॉज यू ऑलरेडी हैव लिटरेचर सपोर्ट कि ऐसे करने से ऐसा हो जाता है और आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो प्रॉब्लम हाईलाइट होती नजर आ रही है, तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एंड यू शुड हाईलाइट द इश्यूज, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर एक्चुअली इम्पैक्टिंग द परफॉर्मेंस. एंड जब आप वो हाईलाइट करके अपनी टॉप मैनेजमेंट जमा करवाएंगे तो एक्चुअली टॉप मैनेजमेंट भी आपको अप्रिशिएट करने के साथ साथ जब वो करेक्टिव एक्शंस लेगी तो आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोग्रेस है, प्रोडक्टिविटी है, वो आपके पास इन्हांस करेगी. इट इज एक्चुअली एन कंट्रीब्यूशन. ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने में ये आपकी कंट्रीब्यूशन है. दैट्स व्हाट एक्चुअली वी आर इफेक्टिंग, वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू फ्रॉम दिस सेल्फ स्टडी प्रोजेक्ट. आई होप कि आप मेरे पॉइंट को जो है क्लियरली आइडेंटिफाई करें कि हम आपसे क्या चाह रहे हैं. मुश्किल नहीं है, हो जाएगा. ठीक है, डोंट यू वरी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास हो जाएगा. आपने इतने अच्छे कोर्सेज लिए हैं, सब कुछ आपने किया, यू ऑलरेडी हैव अ बैकग्राउंड. व्हाट यू हैव टू डू दैट यू हैव टू प्लान प्रॉपरली. प्लान जब करेंगे इंशाल्लाह तो चीजें आपके पास बिल्कुल होंगी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने यहां पर बात की आपके पास कि प्रॉब्लम आपने क्लियरली आइडेंटिफाई करना. ऐसी प्रॉब्लम को आपने नहीं आपने लेना, ऐसी इशू को आपने नहीं लेना जिसके अंदर बहुत सारे आपके पास मसाइल हो. स्ट्रेट फॉरवर्ड इशू लें, अपने प्रॉब्लम को स्पेसिफिक करें, इशू को स्पेसिफिक करें. फॉर एग्जाम्पल जी, मैं पढ़ रहा हूं रिवॉर्ड का इंपैक्ट मोटिवेशन के ऊपर इंप्लॉय क्या होता है, दैट्स इट, फिनिश. सीधी सी बात भाई, रिवॉर्ड्स का इंपैक्ट इसके ऊपर क्या होता है, या प्रॉब्लम आपके पास क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड दे रही है, ऑर्गेनाइजेशंस को रिवॉर्ड, एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दे रही है, बट स्टिल दे आर अनसेटिस्फाइड विद देयर जॉब. रिवॉर्ड से तो लिटरेचर कहता है कि रिवॉर्ड देने से मोटिवेशन लेवल, जॉब सेटिस्फेक्शन आपके पास बढ़ती है, बट यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन कि यहां पर क्या हो रहा है कि रिवॉर्ड मिल रहे हैं, रिवॉर्ड सिस्टम भी अच्छा है, एम्प्लॉय उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, बट स्टिल उनकी जो मोटिवेशन लेवल है टुवर्ड्स द जॉब, द कमिटमेंट लेवल टुवर्ड्स जॉब, वो बहुत ज्यादा लो है. क्यों लो है? There is an issue in the organization. ठीक है, आपने तमाम के तमाम जो है, आप एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी कर रहे हैं, आप कस्टमर केयर भी करते हैं, कस्टमर फीडबैक भी देते हैं, सब कुछ आप दे रहे हैं. ठीक है, आपके जो है पैकेजेस भी ठीक है. मैं मोबाइल की जो एग्जाम्पल, मोबाइल नेटवर्क की एग्जाम्पल मैं आपको कोट कर रहा हूँ, सब कुछ आप ठीक दे रहे हैं, तो कस्टमर क्यों नहीं आपके नेटवर्क को ज्वाइन कर रहा? सो देर आर इशूज, वट आर द फैक्टर्स एक्चुअली जो इफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो आपने इन चीजों को गौर करना है. The problem should be within manageable limit. That is, it should not be too comprehensive. इतना बड़ा problem नहीं ले लेना. तभी कहा कि आप जब आप जो बड़ी चीज उठाएंगे तो आप जो है डिट्रैक हो जाएंगे अपने एक्चुअल मसले से. तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है, स्पेसिफिकली प्रॉब्लम आप लें. ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट का इंपैक्ट क्या पड़ता है भाई? ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के अंदर तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. आप किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट का इंपैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी भी कहता है. प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी तो एक बड़ा वास्ट एरिया है. उसके अंदर आप क्या देख रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस देख रहे हैं, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस देख रहे हैं, एम्प्लॉय मोटिवेशन देख रहे हैं. उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें आपके पास आती हैं. तो वी कैन नॉट समथिंग लाइक इस तरह हम चीजों को जो है वो इम्बैलेंस करें. इम्बैलेंस नहीं करना, कोई बड़ी चीज नहीं लेनी, छोटी से छोटी चीज लेने. यू हैव टू लर्न द प्रोसेस. प्रोसेस एक दफा सीख गए, देन ऑफ कोर्स विद लाइफ विद एक्सपीरियंस आप फिर बड़ी चीजों पर भी जो है वो क्या करें, हाथ डालना स्टार्ट कर दें. बट इनिशियली आई सजेस्ट कि आप ये चीज जो है वो आप ना करें. क्राइटेरिया ऑफ अ गुड प्रॉब्लम्स आर, जो आप इशू आइडेंटिफाई करेंगे, जो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, इट शुड एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल. जैसे मैंने कहा कि रिवॉर्ड का इंपैक्ट आपके मोटिवेशन पे क्या आ रहा है, रिवॉर्ड का इंपैक्ट आपके मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन दोनों पर क्या आ रहा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कितने लेते हैं. बट इन योर केस व्हाट आई विल सजेस्ट कि अपने प्रॉब्लम को प्रिसाइज करने के लिए, इशू को प्रिसाइज करने के लिए आप दो या तीन से ज्यादा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना लें, एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आप ले लें. फॉर एग्जाम्पल आप ये कहें कि फैक्टर्स इफेक्टिंग द बैंकिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे आपके पास फैक्टर आते हैं. वर्कलोड, फॉर एग्जाम्पल बैंक टाइमिंग आपके पास है, वर्क ओवरलोड आपके पास है, ठीक है, स्ट्रेस आपके पास एक और फैमिली, वर्क फैमिली लाइफ बैलेंस आपके पास एक और चीज है, ठीक है, वर्क फैमिली लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, बहुत से फैक्टर्स हैं. लेकिन आप जो है वो लिमिटेड लें, आप वो फैक्टर्स लें जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स द
एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप यही कोट करें, आप कुछ और अपना जो भी इश्यूज आप लेना चाहते हैं वो आप इश्यू लें, ठीक है। फिर उसे प्रॉपर प्लान बनाएं, अपना एक्शन प्लान बनाएं, देन आप चीज़ों को जो है वो लेकर चलें। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि देर मस्ट बी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ऐसा नहीं हो जी एम्प्लॉय मोटिवेशन जो है वो कम है, ये कोई इशू नहीं है। एम्प्लॉय मोटिवेशन किस वजह से कम है, स्पेसिफिक करें अपने प्रॉब्लम को, ठीक है जी। वर्कलोड ज्यादा इसलिए कम है, सैलरी कम है, रिवॉर्ड सिस्टम ठीक नहीं है, मैनेजर फॉर एग्जांपल आपके पास सुपरवाइजरी सपोर्ट आपके पास नहीं है, वर्क फैमिली लाइफ बैलेंस नहीं, क्या चीज किस वजह से है, ठीक है। आप स्पेसिफिक करें और फिर उसके बाद आप करें, ठीक है। अब जो डिफरेंट फैक्टर्स मैं बोल रहा हूँ, मेरा लिटरेचर पे ग्रिप है इसलिए मैं वहां से बोल लेता हूँ, लेकिन आपके ऐसे लिटरेचर पे ग्रिप नहीं होगी। तो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लिटरेचर को जरूर पढ़ें भाई। बैंक में जो एम्प्लॉयज हैं इनके अंदर जो स्ट्रेस है ये किस किस फैक्टर से आता है। आप 5-7 बैंक के ऊपर जो स्टडीज हुई हैं लिटरेचर वो आप देखें, सर्च करें 5-6 जो एम्प्लॉयज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बैंक के ऊपर स्टडी हुई है, आपको पता चल जाएगा वो हो अच्छा ये फैक्टर्स भी हैं जो कि आपके पास क्या करते हैं वो कंट्रीब्यूट आपके पास क्या करते हैं वो आपके पास करते हैं। तो यू कैन गेट आइडिया फ्रॉम देयर, आप वहां से आइडिया जो है वो आप ले सकते हैं। इट शुड बी स्टेटेड क्लियरली एंड अम्बिग्यूसली, अनएम्बिग्यूस ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर वर्डिंग। मैंने कहा ना स्पेसिफिक करें, एम्प्लॉय मोटिवेशन मेजर करनी है, एम्प्लॉय मोटिवेशन लो है नहीं भजन, नहीं एम्प्लॉय मोटिवेशन लो है, किस वजह से लो है वो फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई करें, रिलेशनशिप फाइंड करें, फिर आपके पास ऑफकोर्स कुछ चीज बनती नजर आएगी। प्रॉब्लम डेफिनेशन, जब भी आप प्रॉब्लम अपना डिफाइन करेंगे यू हैव टू लुक फॉर दीज 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द इंसिडेंस और प्रीवेलेंस ऑफ द प्रॉब्लम, उसका कितना बड़ा इंपैक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी एम्प्लॉय की जो है अंदर स्ट्रेस है, बैंक के जो एम्प्लॉयज उनमें स्ट्रेस जो है वो ज्यादा है, ऑफकोर्स स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर जो कि फिजिकली भी हार्म करता है, मेंटली भी हार्म करता है आपको, बहुत सारे उसके आपके पास जो है अपने नुकसान हैं। तो आपने ये देखना है कि उसकी इंसिडेंस की एंड प्रीवेलेंस ऑफ द प्रॉब्लम कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है उसका, टाइम फ्रेम व्हेन डज इट अकर, इज इट करंट, कब से मतलब कि एम्प्लॉय स्ट्रेस में है। आपने एम्प्लॉय से पूछा भी कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जी मैं 5 साल से करूँ, आप कब से स्ट्रेस फील कर रहे हैं, जी मैं तो शुरू से पहले दिन से स्ट्रेस में हूँ, बैंक कैसी एक्टिव है, हैक्टिक है। तो ऑफकोर्स द टाइम पीरियड, कितना टाइम आपके पास लगेगा, ठीक है। इस तरह ये भी आप देखते हैं जी अगर कोई प्रॉब्लम है वो कितना सीरियस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हम कहते हैं जी कि हमारे पास हैरेसमेंट का एक फैक्टर है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या आप ये कहें कि फीमेल्स आपके पास हैं वो टॉप पोजीशन पर बहुत कम पहुंचती, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि भाई फीमेल टॉप पोजीशन पर क्यों नहीं पहुंच पाती, ठीक है। फीमेल्स आपके पास हैं उनको टॉप पोजीशन बहुत कम दी जाती, मेल को जो है वो प्रोमिनेंसी, मेल को जो है वो प्रेफर किया जाता है, फीमेल्स को आपको ज़्यादा नहीं दिया जाता, तो क्यों ऐसा है, फीमेल्स को क्यों नहीं दिया जाता, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच नीड टू बी एड्रेस, जिसको एड्रेस करना जरूरी है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर देखना कि इंटेंसिटी कितनी है और कब से ऐसे आपके पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने सिर्फ देखना ज्योग्राफिक, व्हाट डज द प्रॉब्लम जनरली अकर, ये प्रॉब्लम जो है कब और कहां पर एक्चुअली अकर होता है, ठीक है, किसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास एम्प्लॉय के प्रोडक्टिविटी हमने बात की, आपने कहा जी टॉप मैनेजमेंट बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन ये नीचे वाला जो है तबका जो लोअर मैनेजमेंट है, ठीक है, ये यहाँ पर प्रोडक्टिविटी लो है, सुपरवाइजर जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है आपके पास, तो कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे, पिन पॉइंट। पॉपुलेशन, डज द प्रॉब्लम इफेक्ट सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, इफ सो व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब कि इसका मकसद ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं कि आप स्ट्रीमलाइन करें, पिन पॉइंट करें स्पेसिफिकली क्या चीज किसको कहाँ पर इफेक्ट कर रही है, उसको आप सीधा देखेंगे है किसी का हमारे पास। डज द प्रॉब्लम इफेक्ट सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल, क्या प्रॉब्लम स्पेसिफिक किसी ग्रुप ऑफ पीपल को जो हमारे पास इफेक्ट करता है, ठीक है। इफ सो व्हाट आर देयर, वो जो लोग हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका एज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशन क्या है, किस चीज के ऊपर हो रहा है। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे तो यू कैन इजली सॉर्ट आउट, ओके दिस इज द ग्रुप ऑफ पीपल जो कि हमारे पास इस प्रॉब्लम से जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। वाई आर द प्रोबेबल रीजन, वट आर द प्रोबेबल रीजन फॉर द प्रॉब्लम, इज देयर एग्रीमेंट और कन्फ्लिक्ट अवर दीज रीजन्स, ये जो प्रॉब्लम आ रहे हैं रीजन्स के हैं और जो रीजन्स आए हैं क्या इनके दरमियान आपस में कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, ओपिनियंस के अंदर कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। आपका बॉस की आपके साथ जो है मे बी कोई पर्सनल जो है वो क्लैश, जिस वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर चीज़ों को डैमेज कर रहे हैं, तो चीज़ें बिट डिफरेंट है आपके पास। सोल्यूशंस, व्हाट सॉल्यूशंस यू ऑलरेडी हैव ट्राइड, ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को ओवरकम करने के लिए कौन कौन से जो है पहले सॉल्यूशन दिए, क्या वो सारे के सारे सॉल्यूशन वर्थ हैं, ठीक है।
क्या अभी भी गैप बाकी है, कुछ और ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनको आप ट्राई करें तो हमारे पास है? फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी में देख रहा था, उस केस स्टडी के अंदर ये बात थी आपके पास कि आपके पास एम्प्लॉय का जो था वो रिवॉर्ड सिस्टम बहुत अच्छा था, कमीशन बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक था, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी लो थी। अब मैनेजर इसी से परेशान था कि रिवॉर्ड सिस्टम बहुत अच्छा है, कमीशन भी हम बहुत अच्छा पे कर रहे हैं, सब कुछ हमारे पास ठीक है, लेकिन वाई एम्प्लॉय इज़ नॉट मोटिवेटेड, वाई इज़ नॉट प्रोडक्टिव? क्योंकि आम रिसर्च तो ये बात करती है, आपके पास रिसर्च पेपर में अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉर्ड सिस्टम अच्छा है तो आपके पास जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। लेकिन जब मैनेजर कॉन्शियस हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसने चीज़ सर्च करनी शुरू की, तो व्हाट ही फाइंड आउट कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। भजन, आपके बंदे को लाख रुपए दे दे आप उसको जलील करते रहे तो वो कहां से मोटिवेट होगा? ठीक है, पैसा एक लिमिट तक आपको अच्छा लगेगा, एक महीना, दो महीना, तीसरे महीने आपको कि यार लानत मारो इस पैसे के ऊपर, यहां तो इज्जत ही मेरी नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, आई होप आप मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कर गए कि लिटरेचर हमें बिल्कुल बता रहे हैं जी रिवॉर्ड से हो जाती है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बढ़ती है, रिवॉर्ड से मोटिवेशन बढ़ती है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब उस बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट ही वहां पर नहीं है तो वो किस तरह से बढ़ेगी? वो नहीं बढ़ेगी, वो कभी भी नहीं बढ़ेगी आपके पास। ठीक है, तो मे बी दिस इज वन ऑफ द फैक्टर कि आपके पास जो है टर्नओवर रेशियो ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉय आपकी जॉब छोड़ के जा रहे हैं, आपका सब कुछ ठीक है, आपका रिवॉर्ड सिस्टम अच्छा है, सैलरी स्ट्रक्चर आपका अच्छा है, कमीशन, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है। लेकिन जब बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो मेरे ख्याल में आपके पास वो बंदा जो है वो नहीं टिकेगा अच्छे से। अच्छा बाब, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर मे बी कि आपके पास जो क्वालिफाइड स्टाफ है वो आपके पास नहीं टिकता। तो ये मैंने वैसे आपको एग्जांपल कोट किया, आप भी अपने सिनेरियो में देखें, इर्द गिर्द देखें कि क्या चीजें हैं। आपको प्रॉब्लम आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही मिलेगा, इशू आपने उसको आपने एड्रेस करना है, क्या चीज है आपके पास। अनआंसर्ड क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नीड फर्दर रिसर्च, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिससे मैंने कहा कि सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल हैं, वो है, लेकिन कुछ वो सोल्यूशन उन चीजों को हल करता है, बाकी शायद ये चीजें जिनके ऊपर इस सोल्यूशन का कोई आपके पास इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, जब आपने दवाई लेनी होती है तो आपके लिए जुकाम के लिए अलग से दवाई है, गले खराब के अलग से दवाई है, बुखार के अलग से दवाई है, हर चीज़ आपके पास जो है दवाइयाँ अलग अलग हैं, क्योंकि उनकी इफेक्टिवनेस जो है बढ़ जाती है। जब आप एक ऐसी दवाई दे रहे हैं जिसमें सारी चीज़ों का हल है तो शायद वो तमाम चीज़ों को उस तरह से इफेक्टिवली जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। ठीक है, इसीलिए आप कहते हैं जी हर चीज़ की अलग दवाई, अलग जो है वो एंटीबायोटिक्स है, ताकि वो चीज़ उस तरह से आपके पास क्या करें, वो कंट्रीब्यूट करें। जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, आपके पास जो रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये नहीं कि 5 साल पहले पुरानी प्रॉब्लम आप उठा लें, 5 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, अब ठीक है, 5 साल पहले क्यों ठीक नहीं थी, ये ऐसा नहीं। करंट प्रॉब्लम लें, कोई भी ऐसी चीज़ जो अगर आपके पास करंटली आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में हो, ताकि अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस इशू को आप रिजॉल्व करते हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को करंट रन टाइम पर जो है उसको जो है उससे बेनिफिट मिले। इज द प्रॉब्लम अ करंट एंड टाइमली वन, ठीक है, डज द प्रॉब्लम हैव लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस, ठीक है, मॉर्बिडिटी कॉन्सिक्वेंसेस, क्या उसके कुछ सीरियस कंसर्न तो नहीं है? ठीक है, एम्प्लॉय क्यों छोड़ के जा रहे हैं भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो ऑफकोर्स यू हैव टू चेंज द मैनेजमेंट स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल एकदम चेंज करने की जरूरत है, अदरवाइज तो ये सारी भाग जाएंगे। ठीक है, डज द प्रॉब्लम इफेक्ट और पोटेंशियली इफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्या प्रॉब्लम इफेक्ट कर रहा है और बहुत ज्यादा लोगों को इफेक्ट कर रहा है? तो अगर ऐसा है तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्रॉब्लम। डज द प्रॉब्लम रिलेट टू ऑन गोइंग प्रोग्राम एक्टिविटीज़, जो ऑन गोइंग प्रोग्राम एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको वो इफेक्ट कर रहा है? डज द प्रॉब्लम है ब्रॉड सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हेल्थ इम्प्लिकेशंस? अगर ऐसा है देन अगेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न। इज द प्रॉब्लम व्यूड एज कंसर्न बाय मैनी अदर पीपल, आप नहीं बल्कि बहुत से लोग समझते हैं हाँ ये प्रॉब्लम है, दैट इज़ अ समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट इशू टू बी टारगेटेड। ठीक है, हाउ मैनी स्टडीज ऑलरेडी डस्ट अपॉन, कितने रिसर्च बताएगी पहले कितने लोगों ने इस पर काम किया हुआ है, अब कैसा आपके पास है, आपके पास स्टेप जो है कि आपने रिसर्च इश्यूज जो है या जो प्रॉब्लम आपके पास है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको आपने कैसे, मैं रिसर्च के वर्ड से यूज करूँगी, यू हैव टू रिसर्च इन ऑर्गेनाइजेशन, बट ये आपने करनी है। तो रिसर्च के हवाले से ही ज़्यादातर हम बात करेंगे। ठीक है, कि इशू जो है उसके ऊपर रिसर्च करनी है, रिसर्च उसको आपने दोबारा दोबारा चीज़ों को फाइंड करना है। तो एक्चुअली आप इसको रिसर्च मेथडोलॉजी का कोर्स भी उसके सेक्शन यहाँ पे ज़्यादा आपके पास इन्वॉल्व है, बिकॉज आपने उस इशू को एड्रेस करना है, मेथडोलॉजीज, डाटा कलेक्शन, फाइंडिंग्स, वो तमाम चीज़ें आपकी वही होंगी जो आपने यहाँ से यूज़ करके चलनी है। बिकॉज अगर हम स्टेटिस्टिकल टेस्ट की बात करें, दे आर द मोर प्रॉम्प्ट, मतलब कि रिप्लाई है टुवर्ड दैट हाइपोथेसिस जो आप सोच रहे हैं ऐसा होना है, तो आपको स्टेटिस्टिकल टेस्ट ही आपको बताएंगे। मेथडोलॉजीज आपके पास है, सैंपल कैसे लेना है, सैंपल जो आपने चूज किया वो कहीं बाइस तो नहीं है,
ठीक है, वो एक वो सैंपल साइज है भी पूरा कि नहीं, तो चीजें सारी आपके पास फ्यूचर में मैनेज होती हैं। क्लेरिफाई द व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजर इन रिलेशन टू द प्रॉब्लम, पहली चीज मैनेजर से बात करके यार ये ऐसा है, वो भी कहे हाँ, तो फिर इट्स मीन कि यू ऑलरेडी हैड टेकन द टॉप मैनेजमेंट इन कंसिडरेशन कि ठीक है जी ये बंदा इस चीज को हाईलाइट कर रहा है ताकि आपको सपोर्ट मिले, मे बी आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले वहां से, ठीक है, जब पता चले लोगों को जी ये बंदा इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। फर्दर स्पेसिफाई एंड डिस्क्राइब द कोर प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द कोर प्रॉब्लम एंड क्वान्टिटी कितनी है आपके पास, ठीक है, यू शुड आप कर सकते हैं कोर प्रॉब्लम और कोर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू शुड अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द मोर एलिबरेटरी, फॉर एग्जाम्पल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम आपके पास क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन क्या, हु इज अफेक्टेड, वेन, वेयर एंड द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से कितने लोग इफेक्ट हुए हैं, इज इट वाइड स्प्रेड, हाउ, ठीक है, हाउ एवर इज इट, ठीक है, हाउ सीवियर इट इज, ठीक है, वट आर द कॉन्सिक्वेंसिस, डिसबिलिटी, डेथ, वेस्टेज, रिसोर्सेज, नुकसान हो जाएगा, समझो बैंक डिफॉल्टर हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रॉब्लम्स हैं। स्टेप नंबर थ्री, एनालाइज द प्रॉब्लम, एनालाइज एंड आफ्टर आइडेंटिफाई द कोर प्रॉब्लम, यू शुड आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट माई कंट्रीब्यूट टू अ प्रॉब्लम, क्लियरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉब्लम्स एंड कम्युनिकेटिंग फैक्टर्स, आप उनको देखें प्रॉब्लम है, फिर फैक्टर्स वेरिएबल्स उनको आप लिंक करें उनके साथ कौन से एनालिसिस और प्रॉब्लम, अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं प्रॉब्लम की तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द कोर प्रॉब्लम्स एज डिफाइंड इन स्टेप नंबर टू इन द सेंटर ऑफ अ ब्लैक बोर्ड और फ्लिपकार्ट, पहले लिखें कि कोर प्रॉब्लम्स आपके पास कौन कौन से हैं, ब्रेनस्टॉर्म ऑन पॉसिबल कॉजेज और फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम, कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रॉब्लम जो है आपके पास कॉज, आइडेंटिफाई फर्दर कंट्रीब्यूटिंग और जो फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कौन से हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करें, अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज रिलेटेड फैक्टर्स टुगेदर, ऐसे फैक्टर्स जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं उनको आप करें, फिर उनको आप डिफरेंट कैटेगरीज बना लें एंड फिर आप अपनी फाइनल डायग्राम बना, अच्छा एक्चुअल प्रॉब्लम जो आपके पास वो ये है। लिटरेचर रिव्यू, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे मैंने आपसे कहा कि हम इस रिपोर्ट में आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लिटरेचर रिव्यू भी जरूर करें, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है मे बी आप उसकी वन डायमेंशन ले रहे हो, जब आपको लिटरेचर जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, लोग जो है चीज़ों को प्रूव कर चुके हैं उनको आप पढ़ें, शायद वो प्रॉब्लम किसी और वजह से भी आता हो, जो आप कॉज समझ रहे हैं इन रियल वर्ल्ड में भी वैसा ना हो कुछ और, आप लिटरेचर पढ़ें तो यू विल गेट इनसाइट, ओह देर इज एन अदर थिंग एज वेल जो कि इस चीज को जो है वो इफेक्ट कर सकते हो, तो लिटरेचर रिव्यू के बगैर करेंगे इट्स लाइक अ री इन्वेंटिंग द व्हील, आप दोबारा चीजों को फाइंड कर रहे हैं, अगर लिटरेचर पढ़ेंगे यू ऑलरेडी नो ओके इस वजह से भी होता है, तो नाउ अगर आपको नई चीज फाइंड करते हैं इट इज समथिंग कंट्रीब्यूशन टू द बॉडी ऑफ नॉलेज, आपने लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया, आपने थ्योरी को एक्चुअली एक्सटेंड किया नेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, इस तरह से आपके पास चीजें आपके पास होती है, लाइक आप देखिए एडिसन ने आपके पास बल्ब बनाया, उस बल्ब की आप आज एप्लीकेशन दें, टीवी देखें, ट्यूबलाइट्स देखें, कहां कहां उसकी एप्लीकेशन आपके पास नहीं है, सिर्फ वो लाइट का फैक्टर, लाइट उसने जनरेट की, उसने बल्ब बनाया, उससे लाइट आपके पास एक आपको मिला, रोशनी का एक जरिया मिला और फिर उससे आपके पास रास्ते खुलते चले गए, दैट वॉज द फर्स्ट इन्वेंशन, दैट इज द थिंग कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज, चीजें बढ़ती 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 आपके पास कहां से कहां आपके पास चीजें जो है पहुंच जाती हैं। ओके जी, लिटरेचर रिव्यू, आइडेंटिफाई द योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरिया वेयर यू वांट टू वर्क या इशू जिस पे आप काम करना चाहते हो, परफॉर्म अ लिटरेचर रिव्यू, जनरेट रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स स्टेट योर अनस्टेटेड अनसॉल्व प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस, डेवलप, फाइंड और डेवलप अ सॉल्यूशन एंड डॉक्यूमेंट योर रिजल्ट, और रिजल्ट्स अपने डॉक्यूमेंट करें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, टू इवेल्युएट द करंट स्टेट ऑफ प्रोग्रेस इन द स्टडी ऑफ अ गिवन टॉपिक, करंट स्टेट क्या है जो आप काम कर रहे हो, उसकी करंट स्टेट क्या, ये ना हो कि आप वही काम करें जो पहले हो चुके हैं, तो अगर आप करंट स्टेट तक पहुंच जाते हैं, पहले ये हुआ था अब यहां तक है, करंट स्टेट जो है वो उसके आपके पास क्या है, वो आपके पास ये है, तो जो करंट स्टेट है वो आपके पास ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है कि चीजें आप किस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई करें, चीजें आपके पास क्या करें उनको आप संभव मॉडिफाई करें। टू आइडेंटिफाई, ऑर्गेनाइज एंड एवेल्युएट पब्लिश मटीरियल, ठीक है, आप आइडेंटिफाई करें, ऑर्गेनाइज करें और उसे एवेल्युएट करें पब्लिश मटेरियल को, और ये पब्लिश मटेरियल है या अनपब्लिश मटेरियल भी आपके पास, फॉर एग्जांपल उसको भी आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स, दिस दैट, बहुत से आपके पास थीसिस हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज में थीसिस पड़े होते हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके पास उनको भी देखना जरूरी इसलिए है ताकि आप अपने करंट स्टेट तक पहुंच जाएं। माई बिलीव के सेकंड पॉइंट जो है उसका मकसद ही फर्स्ट पॉइंट को जो है वो कैप्चर करना है, टू शो दैट द रिव्यूअर नोज व्हाट has been done, what is being done and what needs to be done and another thing how that thing was done, methodology aapke paas important hai, acha isne ye kaam kiya to isne kaise kiya tha, maybe that methodology fit with your scenario as well,
जो आपकी सिचुएशन है, आपके जो फैक्टर्स हैं उसमें शायद वो मेथडोलॉजी बिल्कुल फिट बैठती हो, उसमें बायसनेस कम से कम हो और वो रिजल्ट्स आपको बेस्ट से बेस्ट दे सके. सो देर आर फैक्टर्स विच नीड कंसिडरेशन, इसलिए हमारे पास जरूरी है कि इन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करें. A literature review serves three important functions. Give reader background information regarding your own research. Background क्या काम है, अभी current status क्या है knowledge का, अब तक क्या चीज़ जो है discover हो चुकी है. Demonstrate your formalities with research in your field. ठीक है, research in your field में जो formalities हैं, familiarities हैं, उनको जो है identify कर सके. Show how your work contribute one or more piece and expanded the knowledge base in your field. The main thing is the contribution in the knowledge. अगर आपने वही काम किया जो पहले हो चुका है तो शायद आपके पास कोई कंट्रीब्यूशन नॉलेज नहीं होगी. ठीक है, हमने ये नहीं कहा कि आप जरूर आप एक काम को दोबारा कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसमें कुछ ना कुछ नया तो आपके पास आए. ठीक है, कुछ नया हो, मेथोडोलॉजी आपने नई की है, कुछ दो तीन आपने नए सवाल पूछे, कुछ नई डायरेक्शन उसके अंदर मिले, आपकी फाइंडिंग्स जो है उसमें कुछ नई चीज आप बताएं, हाँ जी ये चीज भी है, ये लिटरेचर ने बताया कि ऐसे करने से ऐसा ऐसा होता है. जैसे मैंने आपसे कहा कि जी रिवॉर्ड देने से आपके पास सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, बट वेन इट्स कम टू सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी फाइंडिंग बताती है भाई यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों की नहीं है. सेल्फ रिस्पेक्ट ना होने की वजह से आपके पास ओवरऑल क्या आपके पास के चीजें आपके पास वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रही, आपके पास एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड नहीं है. फाइंडिंग मटेरियल, आप मटेरियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने जो है नेट से भी फाइंड आउट करना है, आपने चीजों को देखना है भाई इस प्रॉब्लम की क्या क्या रीजंस पहले दी जा चुकी हैं. आस्क योर सब्जेक्ट लाइब्रेरियन, जो भी आपका लाइब्रेरियन उससे आप पूछें. डिसाइड हाउ फार बैक यू मे गो टू 5 to 10 years, डिसाइड करें कि 5 से 10 साल का, 5 साल का आपको लिटरेचर चाहिए, 10 साल का लिटरेचर चाहिए, पिछले 5 सालों में हिस्ट्री में क्या हुआ इस टॉपिक पर, 10 सालों में, 5 और 10 साल डिसाइड करना क्यों जरूरी है, आप में से कोई आंसर देगा? 5 या 10 साल डिसाइड करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है मेरे भाई कि जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है वो लेटेस्ट ट्रेंड्स में इंटरेस्टेड है, वो नहीं चाहती कि आज से 10 साल पहले क्या हुआ. 5 साल इज ओके, इट्स फाइन इनफ कि पिछले 5 सालों में ये स्टडीज हुई हैं, इनकी ये फाइंडिंग्स नहीं क्या पास. देखिए फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पहले देखिए शायद टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, बैंकिंग सेक्टर या ऑर्गेनाइजेशन के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी. ठीक है, जो आज टेक्नोलॉजी ने इम्पैक्ट दिया, जो लाइफ के जो पेस के अंदर जो स्पीड बढ़ी, इससे लाइफ के अंदर पेस जो आपके पास बढ़ी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, शायद वो आज से 10 साल पहले नहीं थी. अगर आज से 10 साल पहले हम स्टडियां पढ़ते रहे तो शायद हम आजकल के जो प्रॉब्लम है उनको हमने सही टारगेट नहीं किया. ठीक है, वी आर ऑन वेरी वेरी रॉन्ग एंड, ऐसा आपके पास नहीं था. बी सिलेक्टिव फॉर अ शॉर्ट लिटरेचर रिव्यूज, इग्नोर माइनर जर्नल्स बुक्स बाय द अननोन पब्लिशर. आपके पास माइनर जर्नल, ISI जर्नल्स, इंपॉर्टेंट इंपैक्ट फैक्टर जर्नल, उनको सिर्फ आप थॉरो स्टडी करें. नो नीड कि आप जो है फजूल किस्म के पब्लिशर्स को जो आप अपने साथ जो है वो लेकर चलती रहें. फॉलो अप रेफरेंसेज इन स्टैंडर्ड वर्क्स, ठीक है, स्टैंडर्ड काम के अंदर जो है वो रेफरेंसेज उनको आप जो है सिंपली फॉलो अप. सर्च डेटाबेसिस इंक्लूड्स दोज ऑफ जर्नल डेटाबेसिस जो है Elsevier है, स्प्रिंगर है, साइंस डायरेक्ट है, एमरल्ड है, इनको सर्च करें. सेज आपके पास है, इनको सर्च करें. हाउ टू स्टार्ट नाउ, this is an important thing that you already identified the issue, you already done the literature review, now how to start something. theek hai, begin by setting up a record keeping system that will give you an overview. theek hai, date kept your record. theek hai, date for example unko chronological order rakhe, is date ko maine ye cheez search ki thi, is date ko ye search ki thi. ye hum aap baat karenge literature jo aapko find out kiya aapne usko aap kis tarah se cheezon ko jo hai wo aap inline kar sakte, biographical detail. theek hai, bibliographical details, make sure that you not that you note everything, you need to avoid backtracking. आपको बार बार पीछे ना जाना पड़े, अच्छा फलाने ऑथर ने क्या लिखा था, फलाने ऑथर ने क्या लिखा था, नहीं, आप उसको नोट डाउन कर लें इंपॉर्टेंट चीज़ों को, ताकि बार बार आपको जो है वो बैक ट्रैकिंग जो है वो आपको ना करनी पड़े. टॉपिक फोकस, टॉपिक के ऊपर आप सिंपली फोकस रहें. आर्गूमेंट थीसिस, वट इज द राइटर आर्ग्यूइंग, वट इज देयर कंक्लूजन एंड द पॉइंट ऑफ देयर रिसर्च, उन्होंने क्या कंक्लूड किया, उन्होंने फ्यूचर रिसर्च में क्या चीज़ रिकमेंड की, ये तमाम चीजें आपको पता होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है. स्ट्रेंथ वीकनेसेस एवेल्युएशन इज डिफिकल्ट, बट द मोर यू रीड अबाउट द सब्जेक्ट द इजियर इट इज टू क्रिटिक द रिसर्च एज यू मेक कंपैरिजन. जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, जितना आपके पास नॉलेज होगा एक टॉपिक के ऊपर, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप किस तरह से अपने करंट सिनेरियो या जो करंट इशू ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर आप बात कर सके. हमारे पास जब बच्चा आता है ना रिसर्च के लिए, मैं आपको वैसे प्रैक्टिकल अपने एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ. जब आप प्रपोजल डिफेंस होता है, जब आप खड़े होते हैं वहां पर, आप जो ही बोलते हैं, आपसे छोटा सवाल किया जाए तो आप एकदम शेक कर जाते हैं. वो शेक करना आपके पास क्या है कि आपने ज्यादा नहीं पढ़ा होता, कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो होता है, थोड़ी सी चीज इधर से उधर हुई तो आपका
ओवरऑल सिनेरियो क्या होगा आपका पास, वो जीरो हो गया, बिल्कुल आप डैमेज हो गए, ठीक है। दैट इज द थिंग कि आपके पास जो एक स्टूडेंट्स के अंदर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, दैट इज एक्चुअली अ लैक ऑफ नॉलेज, इट इज रेलिवेंट, इट इज वेरी मच रिलेटेड विद दैट। आप जितना ज्यादा एक्सपोजर लेंगे, जितने ज्यादा आप रीडेबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे, इन्हांस करेंगे, जितनी आपकी सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर ग्रिप होगी, आप उतने ही कॉन्फिडेंटली जो है वो ऑडियंस के साथ बात कर, उतने कॉन्फिडेंटली आप ऑडियंस को फेस कर सकेंगे, उतने कॉन्फिडेंटली आप ऑडियंस को एक आंसर कर सकेंगे, ठीक है। तो अपनी काइंडली सब्जेक्ट नॉलेज को बढ़ाएं, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी इस चीज़ को आप बढ़ाएं, जो आप कोर्सेज लेते हैं उनके ऊपर जितनी ग्रिप अच्छी होगी, उतने अच्छे वो ग्रेड भी आएंगे, और अगर बाहर को आपसे बंदा पूछ लेता है तो आप उसको बात कर पाएंगे। कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना जरूरी है, आर्गूमेंट्स तभी आपके पास बनेंगे, लॉजिक तभी डेवलप होगी जब आप कंसेप्चुअली एक चीज़ के आइडिया के बारे में क्लियर होंगे। जब आप खुद एक आइडिया के बारे में क्लियर नहीं, आप लोगों को क्या क्लियर करेंगे, द थिंग्स आर प्रीटी डिफरेंट। सो प्लीज, दिस इज जस्ट एन एडवाइस, जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है। ये हमारे पास एवेल्युएट, हमारे पास जो भी आपने चीज़ें फाइंड आउट की, आपके पास जो भी आए, पोस्टपोन एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव इनिशियली, इंक्लूड ऑल इन्वॉल्व्ड एंड इंडिविजुअल इन द जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे आपने गोल्स भी अपने आइडेंटिफाई करने हैं, शॉर्ट टर्म्स हैं, लॉन्ग टर्म्स हैं, तमाम चीज़ें आप इनको आइडेंटिफाई करें, ब्रेन स्ट्रॉम करें आइडियाज़ को आप, फिर आप इंप्लीमेंट करें जो भी आपने सोल्यूशंस जो हैं वो आपने हैं, ठीक है। उसके बाद आप फीडबैक लें, देखें कि आपके पास ऑडियंस उस चीज़ को एक्सेप्ट किए, एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। फिर आप कुछ मेजर्स ले लें, मॉनिटर करें चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ रिसर्च, सेल्फ स्टडी प्रोजेक्ट, ठीक है। हम कह सकते हैं कि सेल्फ स्टडी प्रोजेक्ट जो आपने करना है, and we are expecting this thing from your end, can design a study driven from a research question situated in a particular context. आप organization में हैं, एक particular context आप लें, एक issue आप उठाएं, ठीक है, और उसको क्या करें, आप research question उसके ऊपर बनाएं, problem identify करें, research आप तमाम research objective अपने बनाएं, methodology design करो, लेकर चलें चीज़ों को। Can study practice through employing a transparent, open, reflective, systematic research approach. अब कोई भी आप रिसर्च अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपके पास कन्वीनियंट क्या है। आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च कर रहे हैं तो जरूरी बात है आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो प्राइवेसी है, तमाम चीज़ों को मनजर रखते होगा, आप अपना रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च का जो एक मेथड है वो शायद उसके ऊपर आप उनके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, तो शायद चीज़ें वहाँ पर इस तरह नहीं होंगी जैसे आप सोच रहे हैं, शायद चीज़ें वहाँ पर जो है वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। कैन यूज़ वेरियस सेल्फ स्टडी मेथड्स टू स्टडी रिसर्च प्रॉब्लम्स, आप कोई भी यूज सेल्फ स्टडी मेथड्स कोई भी आप जो है वो यूज़ करना चाहें, इट्स अप टू यू, बट द थिंग्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली यू आर वर्किंग, ठीक है। वहाँ पर चीज़ें आपके पास थोड़ी मुख्तलिफ होंगी। कैन कंट्रीब्यूट टू द बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑफकोर्स जब आप कुछ करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो जब प्रोग्रेस पड़ेगी तो आपने कुछ ना कुछ नॉलेज इंप्रूवमेंट की, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ केस कि फलानी जगह ये चीज़ की गई, उससे ये चीज़ इन्हांस हुई, तो आप देख सकते हैं कि उस इन्हांसमेंट के आपके पास क्या हो जाती है। कैन जनरेट एंड शेयर नॉलेज कैन बी हेल्पफुल टू द रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर, वो रिसर्चर जो भी आपने फाइंडिंग्स थी वो आप रिसर्चर्स के साथ वो आप तमाम जो प्रैक्टिकल कम्युनिटी उससे शेयर करें, उसको पब्लिश करें ताकि लोग उसे पढ़ें और उस चीज़ें आपके पास क्यों वो ठीक हो जाए। सेल्फ स्टडी इज़ अ पर्सनल सिचुएटेड क्यूरी, कुछ लिटरेचर मैंने यहाँ पर सपोर्ट आपके पास प्रोवाइड की कि सेल्फ स्टडी एक्चुअली आपके पास पर्सनल सिचुएटेड इंक्वायरी आपके पास, ठीक है। सेल्फ स्टडी गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन योर लिव्ड प्रैक्टिसेस एंड वेदर और नॉट देयर इज अ लिविंग कॉन्ट्रोडिक्शन और कॉन्ट्रोडिक्शन बिटवीन व्हाट यू से यू बिलीव एंड व्हाट यू एक्चुअली डू इन द प्रैक्टिसेस। ये हमारे पास व्हाइट हैड ने 1989 में इसको थोड़ा डिफाइन किया। एग्जामिन द रियलिटीज क्रिएटेड इन दिस गैप लीड टू अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल थ्योरी मेकिंग, द क्वेश्चन यू पोज कैन ऑल्सो बी अ पॉजिटिव वन। आप जो भी कुछ इशू उठा रहे हैं, जो क्वेश्चन आप पोज करें, इट मस्ट बी पॉजिटिव वन। यू कैन चूज फ्रॉम द वेरियस सेल्फ स्टडी मेथड टू इंक्वायर इन टू द बिलीव एंड एक्शन इन प्रैक्टिस, एक्सप्लोर हु यू आर एज अ रिसर्चर एंड सेल्फ असेस योर ऑब्जर्वेशन। चीज़ें आगे पास सबके सब जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू कंसिडर द रोल कल्चर एंड हिस्ट्री प्ले इन योर थ्योरी प्रैक्टिस एंड असेस द इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन योर टीचिंग या इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑन योर फाइंडिंग्स। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना जरूरी है कि जो आपने थ्योरीज पढ़ी हैं, जो आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वो एक्चुअली एक थ्योरी ही है जिसको आपने पढ़ा है, उसको आपने अप्लाई भी करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब ये बात करूँ जी, आपने जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, तो मैं तो अगर ये कहूँ जी स्वॉट एनालिसिस से भी प्रॉब्लम आपके पास निकल सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस क्या है, ये वीकनेस, इस वीकनेसेस से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो देखें आपके पास जो स्वॉट एनालिसिस के अंदर जो वीकनेस का फैक्टर था वहाँ से भी तो आपको प्रॉब्लम मिले,
आपने ऑलरेडी पढ़ा है बुक्स के अंदर कि स्वॉट एनालिसिस क्या चीज होती है, स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, थ्रेट अपॉर्चुनिटीज हैं। जो वीकनेसेस हैं वो असल में तो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन इश्यूज को अगर एड्रेस ना किया तो आपके पास एडवांसमेंट जो है शायद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए, वो आपके पास प्रॉब्लम बन जाए। दैट इज एन इंपॉर्टेंट इशू कि भाई कैसे चीजों को लेकर चला जाए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि हम जो है वो थ्योरी को यूज करते हुए, जो आपने डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट थ्योरीज आपने पढ़ी है उनको यूज करते हुए भी आप प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यू कैन चूज फ्रॉम द सेल्फ स्टडी मेथड। ओके, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आई थिंक वी डन केस स्टडी। अब आप जब कुछ भी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, एक तो आपके पास है केस स्टडी कि एक प्रॉब्लम था वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में था, आप उसे अपनी उसी प्रॉब्लम को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो एक आपके पास ऑलरेडी सिनेरियो अवेलेबल है, उसी सिनेरियो को आप जो है वो रेप्लीकेट करते हैं। यहाँ पर दैट थिंग्स कम अंडर द केस स्टडी। पर्पज एंड रेशनल फॉर द केस स्टडी, सिग्निफिकेंस ऑफ द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसर्च क्वेश्चन, ये दोनों चीज में है वो आप बनाते हैं। डिजाइन बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड द रिसर्च पर्पज। यूनिट ऑफ एनालिसिस कहाँ पर आप जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, यूनिट ऑफ एनालिसिस आपकी क्या है, बैंक्स हैं, यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिट ऑफ एनालिसिस आपकी क्या है, फैकल्टी मेंबर्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्कूल्स हैं, क्या चीज है आपकी यूनिट ऑफ एनालिसिस, कहां से आप उस जो भी आपको प्रॉब्लम जहां पर नजर आए आपको उसको प्रॉब्लम आपको यूनिट ऑफ एनालिसिस एज वेल एज जो रिसर्च पर्पज है, इन दोनों चीजों को आपको जो है वो हाईलाइट करना होगा, इन दोनों चीजों को आपको जो है वो टारगेट करना होगा। डाटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास आप किस तरह से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज करते हुए केस स्टडी जो है उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास है फील्ड मेथड, आप फील्ड मेथड यूज कर सकते हैं। देन आपके पास ट्रांसक्राइब नोट्स एंड इंटरव्यूज, उनके थ्रू आप कर सकते हैं। आपके पास मैपिंग ऑफ द मेजर कंसेप्ट है, बिल्डिंग टोपोलॉजीज है। देन आपके पास है मेंबर चेकिंग, ये आपके पास तमाम डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको आप यूज करते हुए जो है चीजों को जो है वो स्ट्रीमलाइन जो है वो आप कर सकते हैं। What is action research? What I believe के आपके पास जो organizations हैं वहाँ पर आपके पास problems तो आते हैं, issues आते हैं, and this is what we are expecting from your end के जो organization के problems हैं उनको आप लेकर चलें, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उनको आप लेकर साथ चलें और चीज़ों को क्या करें आप मतलब के सबको चीज़ों को देखें, उनको आप इनलाइन करें और चीज़ों को सबको आप क्या करें उनको आप एडजस्ट करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास ज़रूरी है जिनको हमने हर हाल में जो है वो लेकर चलना है। एक्शन रिसर्च में हमारे पास ऐसे होता है कि एक रिसर्चर जो है आपके पास वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है प्रॉब्लम को लेता है और उस प्रॉब्लम को लेकर क्या करता है वो आगे आपके पास चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है एक फर्म के CEO वहाँ पर आप काम कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम नजर आता है, आप क्या करते हो उस प्रॉब्लम को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडेंटिफाई करते हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम कि जो कोर इश्यूज हैं उनको आप आइडेंटिफाई करते हो। अच्छा, ये प्रॉब्लम इस वजह से है, आप क्या करते हो कि बीइंग अ CEO और बीइंग एन एक्शन रिसर्चर आप क्या करते हो कि आप क्या करते हो कि आप जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हो उस प्रॉब्लम्स उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। आपने स्ट्रेटजी अप्लाई की, थोड़ा से बाद आपने दोबारा रिजल्ट एवेल्युएट किया, आपने मॉनिटर किया, हाँ भाई क्या अब क्या प्रोग्रेस है। जब आपने प्रोग्रेस देखी तो आपके पास पता चला कि आपके पास कुछ इश्यूज तो रिजॉल्व हुए हैं लेकिन कुछ इश्यूज अब तक स्टिल जो है वो अनआंसर्ड है, वो रिजॉल्व नहीं हुए। आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हो, दूसरा मेथड लगाते हो, फिर देखते हो कि भाई इस मेथड थोड़ा से बाद दोबारा देखते हैं कि इस मेथड ने वर्क किया या आपके पास काम हुआ या आपके पास काम नहीं हुआ। अगर आपके पास काम नहीं हुआ तो आप दोबारा से क्या करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं। अनटिल एंड अनलेस दैट प्रॉब्लम रिजॉल्व, आप बार बार डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हैं वो अप्लाई करते रहते हैं, इंटरवीन करते रहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरवेंशन जो हैं उनको आप जो है वो अप्लाई करते रहते हैं। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को इस तरह से जो है वो लेकर चलें। एक्शन रिसर्च इन इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रोफेशनल इंक्वायरी, जो आप कर रहे हैं इन एनी सोशल सिचुएशन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोफेशनल इंक्वायरी माइट चेंज, कॉन्टेक्स्ट उसका मे भी आपके पास क्या हो जाए वो चेंज हो जाए, बट द प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्शन रिसर्च आर सेम। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट उसका बदल सकता है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी आपके पास हो सकती है, फील्ड में भी आप इन चीज़ों को देख स्टडी कर सकते हैं, बट कॉन्टेक्स्ट उसका आपके पास क्या वो चेंज हो सकता है, बट उसका जो प्रोसीजर्स हैं वो आपके पास सेम ही रहेंगे रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द प्रैक्टिस। ये डिपेंड ऑन कि आप किस फील्ड में किस तरह प्रैक्टिस करें चाहिए वो। एज द नेम ऑफ द एक्शन रिसर्च सजेस्ट, एक्शन रिसर्च कंसर्न एक्टर्स, दोज पीपल कैरिंग आउट देयर प्रोफेशनल एक्शन फ्रॉम डे टू डे। ठीक है, वो लोग जो अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज डे टू डे परफॉर्म करते रहते हैं उनको जो है वो आपके पास होता है। एंड इट्स पर्पज इज टू अंडरस्टैंड एंड टू इम्प्रूव दोज एक्शन, पर्पज आपके पास ये कि जो एक्शन लिए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
उनको किस तरह से हम इम्प्रूव करें, अगर वो प्रॉपरली जो है ऑर्गेनाइजेशनल की जो आउटकम जिसके लिए एक्शन लिया जा रहा है उसको प्रॉपरली इन्हांस नहीं करते तो। इट इज़ अबाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड प्रोफेशनल एक्शन फ्रॉम द इनसाइड एज अ रिजल्ट इट इज़ रिसर्च दैट इज कैरिड आउट बाय द प्रैक्टिशनर ऑन देयर ओन प्रैक्टिस। एक्चुअल में एक्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही की जाती है और ऑर्गेनाइजेशन का बंदा खुद करता है। बीइंग एक्शन रिसर्च अगर हम बात करें तो एक्चुअली हमारे पास जो सीईओ है या आपके पास कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अंदर बंदा है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो रिसर्च करता है, ठीक है, और उसको फिर क्या करता है जो प्रैक्टिस में चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर आपके पास क्या होता है, आपके पास रिसर्च हो जाती है। नॉट एज एन अंदर फॉर्म ऑफ द रिसर्च डन बाय समवन ऑन सम बॉडी एल्स प्रैक्टिस, ठीक है, दूसरों की प्रैक्टिस पर नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रैक्टिस हो रही हैं ऑलरेडी उन्हीं के ऊपर आपके पास रिसर्च की जाए। एक्शन रिसर्च को अगर हम डिस्क्राइब करें कैरजन केमिस की लैंग्वेज में जिन्होंने 1986 में इस चीज़ को प्रपोज किया, दे डिस्क्राइब दैट इट इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स आपके पास एक एक्शन लिए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ प्रैक्टिस हैं जो फॉलो की जा रही हैं, बट वो प्रैक्टिस जो हैं वो प्रॉपरली उस तरह के आउटकम उस तरह के रिजल्ट नहीं दे रही जिस तरह के आप चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यू नीड टू इम्प्रूव दैम। सो एक्शन रिसर्च इज़ वन ऑफ द थिंग जो आपको इसमें हेल्प करेगी कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल अपना बंदा जो है जो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है समझता है, एंड ऑफ कोर्स ही मस्ट हैव सम अथॉरिटी, इंटरनल रिसर्चर भी आपके पास हो सकते हैं, ठीक है, R&D की टीम आपके पास हो सकती है, वो उस चीज़ को क्या कर सकती है, उस चीज़ को वो इन्हांस कर सकती है। द इम्प्रूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रैक्टिस, इम्प्रूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिस, ठीक है, आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द प्रैक्टिस वो आपके पास क्या होगी, इम्प्रूव होगी। द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिचुएशन इन विच द प्रैक्टिस टेक प्लेस, वो सिचुएशन वो सिनेरियो जहाँ वो एक्शन लिए गए उसके ऊपर अंडरस्टैंडेबिलिटी भी आपकी इस तरह से जाएगा बस बड़ी। एक्शन रिसर्च क्यों ज़रूरी है, एक्शन रिसर्च जरूरी इसलिए है कि वाई शुड आई यूज़ एक्शन रिसर्च, बिकॉज यू वॉन्ट टू चेंज योर प्रैक्टिस, आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इशूज़ हैं उनको आपने एड्रेस करना है और उन एक्शन को उन प्रैक्टिस को आपने दोबारा से, प्रैक्टिस होनी चाहिए बट प्रैक्टिस वो होनी चाहिए जो कि प्रोडक्टिव भी आपके पास हों। हर प्रैक्टिस का एक मकसद है, आप अपने बैंक्स में जो एम्प्लॉयज आते हैं जो आपके पास बैंक्स में फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आते हैं उनको आप इतनी केयर क्यों देते हैं, बिकॉज यू वॉन्ट टू रिटेन योर कस्टमर, ठीक है, वो जो भी बात करते हैं आप उनकी बात सुनते हैं और बड़े तरीके से सुनते हैं क्योंकि वही बंदा जो आपके लिए बिजनेस लेके आ रहा है वही तो वो सोर्स है जिसकी वजह से आपकी नौकरियां लगी हुई हैं। तो चीज़ें इस तरह नहीं है, अगर आप कस्टमर केयर आपको बैंक नहीं दे रहा तो चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे आपके पास, ठीक है। यू मे बी कंसर्न दैट थिंग्स माइट नॉट गिविंग यू एज यू विश, और यू मे नीड टू इम्प्लीमेंट अ न्यू इनिशिएटिव बट आर अनश्योर हाउ टू डू इट इफेक्टिवली। अब यहाँ पर है, आप न्यू इनिशिएटिव लेना चाहते हो बट यू आर नॉट श्योर वेदर इट इज़ इफेक्टिव और नॉट इफेक्टिव, बट एक चीज़ आपके पास ज़रूर है, इफेक्टिव या अन इफेक्टिव अगर आप लिटरेचर पढ़ें तो पता चल जाएगा भाई ये वाली प्रैक्टिस पहले भी अप्लाई हो चुकी हैं और ये इन इफेक्टिव रही हैं, इसलिए ये मेथड इस तरह अगर अप्लाई करें तो आप एक इन्हांस या प्रोडक्टिव रिजल्ट्स जो हैं वो एक आउटकम जो है वो आप जो है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज अनदर आउटकम उसको आप ले सकते हैं। वट यू वॉन्ट इज द वे ऑफ सॉर्टिंग आउट दिस कंसर्न दैट ऑफर प्रैक्टिकल सोल्यूशंस बट दैट डिराइव्स फ्रॉम द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस ऑफ योर प्रैक्टिस, अगेन आप किस तरह प्रैक्टिस करें उसी पर आपको डिपेंड करेगा। हाउ डज दिस क्वालिफाई रिसर्च, जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन इशू है ये किस तरह से क्वालिफाई करता है कि इसके ऊपर रिसर्च की जाए या इस इशू को या इस प्रैक्टिस को जो है वो मॉडिफाई किया जाए, इसको इन्हांस किया जाए, कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, इसको आपने जो है देखना है। बिकॉज द फैक्ट ऑफ फाइंडिंग योर सोल्यूशन मेक्स यू अंडरस्टैंड यू प्रैक्टिस बेटर, जब आप एक चीज़ को फाइंड करेंगे ये प्रैक्टिस है ये नहीं हो पा रही आपने अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स की, तो अब आपने उस प्रैक्टिस को बेटर अंडरस्टैंड किया, नाउ यू आर इन बेटर पोजिशन कि आप उसके ऊपर जो है प्रॉपर एक्शन ले सकें या उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट कर सकें या उसके बारे में आप राय दे सकें। आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, उसकी तमाम एक्सटेंशन आप पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली जो सब्जेक्ट नॉलेज आपका वो इम्प्रूव हो रहा है। आपको दूसरा बंदा आप जब सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर बात करेगा तो यू हैव अ वेरी क्लियर आइडियाज कि बिकॉज आपने उस सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर इतना ज़्यादा पढ़ा है कि अब आप उसके ऊपर जो है अच्छा खासा बोल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आपकी रीडेबिलिटी बढ़ेगी आपकी उस सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप के साथ साथ अंडरस्टैंडेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, एंड द सेम थिंग आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी वहीं से जो है वो आपके पास आएगा। एक्शन रिसर्च देयरफॉर हैज टू एस्पेक्ट्स, फर्स्ट थिंग द स्टार्टिंग पॉइंट इज टू सॉर्ट आउट अ प्रॉब्लम और इशू इन द प्रैक्टिस, जो भी इन प्रैक्टिस आपके पास प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके पास इश्यूज हैं करंटली उनको आप सॉर्ट आउट करें। हमने ऑलरेडी बताया कि आपने किस तरह से प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करना है,
प्रॉब्लम को किन किन बेसिस पे क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रॉब्लम की, वो तमाम चीज़ें हमने ऑलरेडी आपसे शेयर की। टू दिस एक्सटेंट एंड एक्शन रिसर्च सीक अ सोल्यूशन, और ये एक्शन रिसर्च है ठीक है, क्या सोल्यूशन देगी। बट द प्रोसेस कैन बी यूज बट द प्रोसेस कैन ऑल्सो बी यूज एज अ डिलिबरेट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस बेटर। जो प्रोसेस है वो भी उस एक्शन रिसर्च को एक तो एक्सप्लेन करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और ट्रेडिशनल रिसर्च एटीट्यूड जो आपके पास आमतौर पर रिसर्चर्स यूज करते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोथ अप्रोचेज इज दैट यू आर ओपन हॉनेस्ट एंड रिग्रेस। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कि आपके आपने होनेस्ट भी होना है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपको बायस नहीं होना, बिकॉज आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च कर रहे हैं, तो शायद आप रिजल्ट्स जो हैं वो उस तरफ लेके जाएं जहाँ के आपको बेनिफिट होता हो, या आपके किसी दोस्त को बेनिफिट होता हो, ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। यू हैव टू बी वेरी मच होनेस्ट एंड ओपन एंड रिग्रेस। रिग्रेस मीन हमारे पास कि वट एवर यू डू यू मस्ट हैव अ साउंड मेथोडोलॉजी एंड समथिंग वेरी समथिंग साउंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। रिग्रेस के बारे में बात जरिए, इसमें दो चीज़ें आपके पास आती हैं रिग्रेस के अंदर, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। रिगर के हवाले से बात है ठीक है, यहाँ पर रिग्रेस की बात है। रिगर आपके पास ये कि आपके जो फ्रेमवर्क है, जो आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स है, हमने कहा ना कि आप मस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स लें, दो वेरिएबल लें, कनेक्शन बनाएं, एक वेरिएबल ना आप हवा में लें ठीक है जी। तो अगर आप ये देखें, हम कहें जी फॉर एग्जाम्पल बैंकरप्सी, आपके पास एक चीज़ है बैंकरप्सी के ऊपर रिसर्च करें, बैंकरप्सी का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे क्या, या इकोनॉमिक ग्रोथ का बैंकरप्सी पे क्या इफेक्ट है। दो वेरिएबल के दिमाग रिलेशनशिप है, दैट थिंग इज समथिंग वर्थ। अगर हम इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर करें तो ये बस ज़्यादा इफेक्ट है, वो ज़्यादा फ्रूटफुल आपके पास हो सकते हैं ठीक है। तो आपके पास रिगर का मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दैट इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसका होना जरूरी है। एंड सेकंड साउंड मेथोडोलॉजी, योर स्टैंड आपकी जो मेथोडोलॉजी वो बाइस्ड आपकी जो है वो ना हो। मेथोडोलॉजी को अगर हम बात करें, इंट्रोड्यूस द ओवरऑल मेथोडोलॉजी अप्रोच फॉर इन्वेस्टिगेटिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम, इंडिकेट हाउ द अप्रोच फिट टू ओवरऑल रिसर्च डिजाइन। किस तरह से जो भी आपने मेथोडोलॉजी यूज की है ठीक है, जो भी सैम्पलिंग टेक्निक चूज की, वो किस तरह फिट बैठती है इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। डिस्क्राइब द स्पेसिफिक मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन यू आर यूजिंग, किस तरह डाटा लेंगे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू लेंगे, जो पास्ट रिकॉर्ड है ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से लेंगे, सर्वे क्वेश्चन के थ्रू लेंगे, इंटरव्यू के थ्रू लेंगे, ऑनलाइन डाटा लेंगे, थ्रू पोस्टल मेल लेंगे, कैसे डाटा लेंगे भाई, क्लियर करें उस चीज़ को ठीक है। हर हर मेथड के, हर डाटा मेथड के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, सो आपने उस चीज़ को जो है वो आपने बताना है। एक्सप्लेन हाउ यू इंटेंड टू एनालाइज योर रिजल्ट, ये रिजल्ट को एनालाइज आप कैसे करेंगे ठीक है। प्रोवाइड रैशनल ऑफ द सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर, एड्रेस पोटेंशियल लिमिटेशन, ये तमाम चीज़ें आपके पास जरूरी हैं। फाइंडिंग्स, जब आप बात करेंगे फाइंडिंग्स के ऊपर, तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ करनी है, वैन फार्मुलेटिंग द रिजल्ट सेक्शन, जब आप अपना आ गया रिजल्ट मैथडोलॉजी यूज कर ली, आपके पास डाटा आ गया, वैन यू फार्मुलेट द रिजल्ट सेक्शन इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द रिजल्ट ऑफ स्टडी डू नॉट प्रूव एनीथिंग। इसका मकसद बिल्कुल भी नहीं कि भाई ये हमने हर हाल में साबित करना। अच्छा, हमारे पास एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, आई हैड समथिंग एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान, आपके पास के यहाँ पर इशू ये है कि भाई हर हाल में रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंट जरूर लाना है। ओ भाई, अगर आपके केस में सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे तो क्या हुआ, क्यों सिग्निफिकेंट लाना है, क्योंकि प्रीवियस रिसर्च में ये सिग्निफिकेंट है, इसलिए मैंने भी इसको सिग्निफिकेंट लाना है, अदरवाइज तो मेरा थीसिस रिजेक्ट हो जाएगा। आई एम टोटली डिसएग्री विद दिस थिंग भाई मेरे, मैं तो ये समझता हूँ ये तो आपकी कंट्रीब्यूशन है कि पाकिस्तानी सिनेरियो में आपकी एक स्टडी हुई, कहाँ से हुई जी, यूएसए में हुई है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स कंडीशंस डिफरेंट है, कल्चरल डिफरेंस है, आपके पास सोशल वैल्यूज डिफरेंट हैं, पूरा सेटअप डिफरेंट है, आप उस तरह के रिजल्ट यहाँ पे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पॉसिबल ही आपके पास नहीं है। तो अगर चीज़ें इनसिग्निफिकेंट आती हैं तो उन्हें आने दें, यू मस्ट हैव जस्टिफाइड रीजन फॉर दैट, जस्ट फाइंड आउट द रीजन कि ये इनसिग्निफिकेंट क्यों आई है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आप किसी भी बाहर की फॉरेन कंट्रीज का आप स्टडी ले लें, आप ये देखेंगे कि जी रिवॉर्ड सिस्टम आप अपना इम्प्रूव करें, रिवॉर्ड सिस्टम इम्प्रूव करने से आपके पास एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय कमिटमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन, सबके साथ इसके पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मैं आपको एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ कि अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपनी पर्सनल एग्जाम्पल ले लें, आपको 4 लाख सैलरी मिले और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वहां पर ना हो, आपको कुत्तों की तरह जलील किया जाए, क्या करेंगे आप, ये रिलेशनशिप कहाँ गया कि भाई रिवॉर्ड से आपके पास मोटिवेशन कमिटमेंट चीजें आपके पास बढ़ती हैं, भाई बढ़ती हैं, बिल्कुल रिसर्च बता रही है, लेकिन दैट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि भाई हमारे केस में ऐसा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कि उस बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट ही वहां पर नहीं है, तो दैट इज अनदर कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल में। तो भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर जो है, जो या फलाना इदारा जो है, ये फलाने केस के अंदर, फलाने सिनेरियो के अंदर ये चीज हुई है,
कि जी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही एम्प्लॉयज को, इसलिए जो है एम्प्लॉयज हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम भी सब कुछ ठीक है, लेकिन पैसा सब कुछ तो नहीं है आपके पास। ठीक है, मनी इज नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में चीजें होनी चाहिए। तो अगर आपकी फाइंडिंग्स नहीं है, या हम उसको प्रूफ नहीं कर रहे, हम किसी चीज को साबित नहीं कर रहे, शायद हमारे केस में ऐसा ना हो, ओके नो प्रॉब्लम, जस्ट फाइंड आउट द रीजन क्यों ऐसा नहीं है। दैट इज ऑल्सो अ कंट्रीब्यूशन। रिसर्च रिजल्ट कैन ओनली कंफर्म और रिजेक्ट द रिसर्च प्रॉब्लम अंडरपिनिंग योर स्टडीज। ठीक है, हाउ एवर द एक्ट ऑफ आर्कुलेटिंग द रिजल्ट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फ्रॉम विद इन और ब्रेक डाउन इन टू द पीसेज और टू व्यू द रिसर्च प्रॉब्लम फ्रॉम द वेरियस पर्सपेक्टिव। दिस इज एंड ठीक है, अवॉइड प्रोवाइडिंग डाटा दैट इज नॉट क्रिटिकल टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, अवॉइड प्रोवाइडिंग डाटा दैट इज नॉट क्रिटिकल टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो आपके रिसर्च क्वेश्चन को, ऐसा फाइंडिंग्स या ऐसे रिजल्ट जो आपके रिसर्च क्वेश्चन को जो है वो आंसर नहीं कर रहे, उनसे आप काइंडली आप जान छुड़वाएं। प्रिपेयर द रिपोर्ट, द आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट इंक्लूड थैंकिंग ऑल द पार्टिसिपेंट, स्टेटिंग द प्रॉब्लम, लिस्टिंग द रिसर्च क्वेश्चन, ये आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, डिस्क्राइबिंग द रिसर्च मेथड यू यूज टू कंडक्ट द रिसर्च, एनी पोटेंशियल फ्लॉज इन द मेथड, ये मेथड यूज किया लेकिन ये प्रॉब्लम आपके पास आए, एक्सप्लेनिंग द डाटा गैदरिंग एंड एनालिसिस टेक्निक, किसने डाटा लिया एंड कंडक्टिंग विद इन आंसर रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन आपने कैसे, जो आपने हाइपोथेसिस बनाए थे, रिसर्च क्वेश्चन बनाए थे, उनको कैसे आपने टेस्ट किया, क्या टूल यूज किया, परसेंटेज मेथड यूज मैंने किया जी, मैंने थ्रू बार चार्ट इसको मैंने बताया, मैंने स्टेटिस्टिकल टेस्ट लगाया, रिग्रेशन कोरिलेशन, मैंने ये चीजें सारी सारी यूज की, सैंपल साइज आपने कैसे सिलेक्ट किया, छोटा मोटा मोटा एक लर्निंग के लिए आप इन चीजों को जो है काइंडली देखें। इतनी को बड़ी रिपोर्ट नहीं बनाई आपने, 70 सफों का थीसिस में नहीं, 25 से 30 सफों की रिपोर्ट बनाए, बट द इशू इज जो हमारा कंसर्न है आपके साथ बच्चे, वो आपके पास ये है कि जो आपने प्रॉब्लम इशू आइडेंटिफाई किया था, क्या उसका आपने सोल्यूशन दिया, क्या आपने उस चीज़ को साबित किया, आपके रिजल्ट्स उसको बताते हैं हाँ भाई ठीक है, ये जो बच्चे ने क्लेम किया था कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से ये इफेक्ट होते हैं, क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, दिस इज अवर कंसर्न। एंड पे आप सजेशन भी दें। ठीक है, की फीचर्स ऑफ द रिपोर्ट इंक्लूड डिटेलिंग ऑफ द स्पेसिफिक स्टोरी, डिटेल टू सक्सेस, हमारे पर डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस बाय द ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेशन आप बताएं, आप जैसे बताएं जी मैं ये किया, इससे मेरे साथ कैसे हुआ, डेटा कन्वेड ड्यूरिंग द डाटा कलेक्शन, अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ स्टोरी बीच में आपके पास आई है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके सिनेरियो को जो है वो बूस्ट करती है, तो ऑफ कोर्स कोट दें, उन्हें आप जरूर कोट करें आपके पास। दैट वर कन्वेड ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन एंड द आंसर और कमेंट्स इलस्ट्रेटिंग इशूज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिसर्च क्वेश्चन, अगर कुछ और ऐसे इशूज हैं जो आपने ओवरकम किए, जो आप उनको नहीं देख सके, लेकिन रिसर्च इंटरव्यू के दौरान पता चला ऐसे भी आपके पास होता है, तो दैट इज अगेन समथिंग वर्थ, इसको आप जो है उसे लेकर चलें। द रिसर्चर डेवलप एन इशू यूजिंग कोटेशन और अदर डिटेल्स फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड एंड पॉइंट आउट द ट्रायंगुलेशन ऑफ द डाटा वेयर एप्लीकेबल। ठीक है, आपके पास ट्रायंगुलेशन, आपके पास ये है कि जो आपने क्वेश्चनर के थ्रू डाटा लिया वो आपके पास एक मेथड है, जो आपने जो है वो थ्रू इंटरव्यू लिए वो आपके पास अदर डाटा है, लेकिन तीसरा आपके पास ये है कि आपने इसके साथ साथ जो है इन तीनों को दोनों डाटा का कंपेरिजन किया है, दिस इज ट्रायंगुलेशन। द रिपोर्ट ऑल्सो इंक्लूड कन्फर्मिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग फ्रॉम द लिटरेचर रिव्यू, दैट्स वॉट आई एम एक्चुअली लुकिंग, जो भी आप रिपोर्ट देंगे हमें, जो भी एक हमें एक आप एक समथिंग राइट अप देंगे, उसमें आप लिटरेचर रिपोर्ट जरूर दें कि आप ये फाइंडिंग्स हैं, प्रीवियस रिसर्च में ये कहा था हमारी फाइंडिंग्स जो है ये कंट्रास्ट क्यों आया, अगर फाइंडिंग्स एक जैसी हैं तो दैट इज गुड, नहीं है फाइंडिंग कंट्रास्ट दैट इज ऑल्सो वेरी मच गुड, बट उसके रीजन्स होने चाहिए कि हमारी स्टडी में ऐसे नहीं हुआ क्योंकि यही आपके पास जो थे वो रीजन्स थे। द रिपोर्ट कंक्लूजन मेक assertions एंड सजेशन फॉर द फर्दर एक्टिविटी, आप आगे कुछ बनाए ताकि स्कॉलर्स को आपका काम जो है ये ऐसे हुआ, इस वजह से ये चीज़ें भी खराब हो रही हैं, ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ताकि अगले जो फ्यूचर रिसर्च में जो स्कॉलर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन चीज़ों पर जो है फोकस करें, सो दैट अनदर रिसर्चर मे अप्लाई दीज टेक्निक्स टू द अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी नेटवर्क एंड इट्स पार्टिकुलर एंड इट्स एप्लीकेशन टू डिटरमिन वेदर सिमिलर फाइंडिंग्स आर इनडेफिनेटेबल इन अदर कम्युनिटी एज वेल एज फाइनल रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड टू द ऑल द पार्टिसिपेंट्स। फिर आप अपने पास बैंक में अपनी रिपोर्ट जमा कराएं, पॉलिसी मेकर्स को दें, अपने हेडक्वार्टर में जमा कराएं, टीचर्स को जमा कराएं, सो इट इज समथिंग लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कोर्स, इंशाल्लाह सी यू इन सम अदर कोर्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।